بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students. Again, I am here to teach you social studies. आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपकी social studies की क्लास में. Next lecture है students हमारा जो हम different subjects के बारे में पढ़ रहे थे. तो हमने मैथ्स और जो सोशल स्टडीज़ है वो डिस्कस की थी कि मैथ्स में वी आर स्टडिंग अबाउट नंबर्स एंड इन सोशल स्टडीज़ वी आर स्टडिंग अबाउट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड वी आर स्टडिंग अबाउट सोसाइटी. आज जो है हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस उसके बारे में पढ़ेंगे. सो इन सोशल स्टडी बुक पेज नंबर 15, ओपन योर बुक पेज 15 एंड द सेकेंड लास्ट टॉपिक विच इज साइंस. सब्जेक्ट इज साइंस. क्लियर? सो लुक एट द टॉपिक. दिस इज साइंस. देयर आर मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस. साइंस की कई ब्रांचेज है, शाखे हैं. इन सम यू लर्न अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन अदर्स यू कैन स्टडी हाउ द अर्थ वॉज मेड, हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ. क्लियर? साइंस में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और दूसरे साइड्स पे हम जो है अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह बनी है ज़मीन और तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो किस तरह से बनी है, जो गैसेस है ये किस तरह से बनी है. तो उसके बारे में फिर हम साइंस में पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और अर्थ के बारे में कि ज़मीन किस तरह बनी है, जो गैसेस है और ये सारी चीज़ें. ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पिक्चर में बच्ची है और वो माइक्रोस्कोप में देख रही है. सही, जो बहुत छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं वो हमें ऐसे दिखाई नहीं देते, तो ये माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे ये लेबोरेटरी में बाकायदा मौजूद होते हैं. तो उसमें फिर नज़र आती है वो छोटी छोटी चीज़ें या छोटे जो ज़र्रात होते हैं. तो साइंस में जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है उसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और अर्थ के बारे में. क्लियर? इन साइंस वी आर स्टडिंग अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड अर्थ. इन मैथ वी आर स्टडिंग अबाउट नंबर्स. इन सोशल स्टडीज वी आर स्टडिंग अबाउट ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी. वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स. एंड इन साइंस वी आर स्टडिंग अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड अर्थ. Is it clear to you students? Okay, next is sports. Most people like to take part in sports. लोगों को स्पोर्ट्स में, गेम्स में हिस्सा लेना पसंद होता है, या बहुत से लोग जो है वो गेम्स खेलना जो है पसंद करते हैं. हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स, आप लोग देखो ना, जब ग्राउंड जाते हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स खेलते हो ना, तो लोग जो है गेम्स खेलना पसंद करते हैं. वर्क मेक्स अस टायर्ड. जब हम काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, थक जाते हैं ना. स्कूल से आप लोग जाते हो तो थके हुए होते हो, या अम्मी जो है घर में काम करती है तो थक जाती है, या बाबा ऑफिस में होते हैं जब आ जाते हैं तो थके हुए होते हैं. तो काम से बंदा जो है वो थोड़ा सा थक भी जाता है. गेम्स हेल्प अस रिलैक्स. गेम्स जो है वो हमें रिलैक्स करती हैं एंड कीप हेल्दी, और हमें हेल्दी रखती है, तवाना मजबूत. क्लियर? यू ऑल्सो लर्न टू प्ले टुगेदर एज ए टीम. और गेम्स में हमें एक साथ खेलने का, इकट्ठा रहने का सबक भी मिलता है कि हम जो है एक साथ गेम खेले, इकट्ठे रहे, एज ए टीम हो, एज ए ग्रुप हो, एक साथ हो. तो गेम्स जो है वो फिर उसका ये फ़ायदा है कि
हम जो है जब तक ही हुए होते हैं तो टेंशन में होते हैं, तो गेम्स हमें रिलैक्स करती है, हेल्दी रखती है, सही। और जब हम एक साथ गेम्स खेलते हैं किसी टीम में, किसी ग्रुप में, तो हमें इकट्ठा रखने की कभी के लिए भी गेम्स बहुत अहम है, अच्छा है। और गेम्स जो है तो रिलैक्स हो जाता है बंदा, उससे मुख्तलिफ किस्म के गेम्स हम खेलते हैं। आप देखो तो स्कूल में भी आप लोग मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलते हो ना, हाँ स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने साइंस और स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया। साइंस और स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन में हमने साइंस में पढ़ा कि हाँ, साइंस में हम प्लांट्स, एनिमल्स और अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, और स्पोर्ट्स जो है वो हमें रिलैक्स करती है, फ्रेश रखती है, हेल्दी रखती है। और जो एक साथ है, इकट्ठा रहना, एज ए टीम काम करना, एज ए ग्रुप काम करना, तो वो गेम्स में हमें ये सबक भी मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो द टॉपिक विच वॉज डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एंड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैथ्स, सोशल स्टडीज, अबाउट साइंस एंड स्पोर्ट्स। In maths, we have discussed that in maths we are studying about numbers. We should to know about the counting and about the numbers. And in social studies, we are studying about the geography, the history and society. And in geography, we are studying about the world, about the world's countries. Our own country in which we are living, and we are studying about the country's people, that how they are living and how they are earning and spending. And we are learning about the different countries of the world, the different countries' weather, their rivers, seas, lands, and the people of the countries. And in history, we are studying about the past, and we know about the past, that what happened long ago. And we are studying about the people, that how they lived, and about the cities, that how the cities grew. And we are studying about the people, that how people moved from one place to another. And we are also learning about the great people, that what they did. And this is the study of history, that we are studying all these things in our history. And we have discussed the next subject, science. And in science we have discussed about the plants, the animals and the earth. And in sports, we have also discussed about the games, that games keep us relaxed and healthy. And you also learn to play together as a team. Or games mein hame ye sabak milta hai ki hum as a group or as a team jo hai wo khele. Aur aap bhi mukhtalif kisam ke games khelte ho, school mein bhi, ghar mein bhi, phir jaake जो संडे होता है तो संडे को भी आप लोग मुख्तलिफ गेम्स खेलते हो। लड़कियों का अलग गेम्स होते हैं, लड़कों के अलग। तो अपने अपने जो आपके फेवरेट गेम है वो आप लोग खेलते हो। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ चुकी होगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। जी, लेक्चर के बाद लास्ट में होमवर्क का वक्त है। और होमवर्क आज मैं आपको दूंगी। कल मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें होमवर्क दिया था कि राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द सब्जेक्ट यू लाइक। ओके, टुडे टेक योर होमवर्क। यू विल राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द सब्जेक्ट यू डोंट लाइक। ओके, राइट
फाइव सेंटेंसेस अबाउट द सब्जेक्ट यू डोंट लाइक। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने होमवर्क करना है, मुझे भेजे अपना होमवर्क। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً.